हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूपेन सिंह राठौड़ और आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे राव अमर सिंह राठौड़ के बारे में। राव अमर सिंह राठौड़ का जन्म 12 दिसंबर सन 1613 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी के यहाँ हुआ था। वे बचपन से ही बड़े ही कुशाग्र बुद्धि, वीर और साहसी थे। उन्होंने बचपन में ही अपनी वीरता का लोहा सबसे मनवा लिया था। इस कारण से जोधपुर की प्रजा और जोधपुर के महाराजा भी उन्हें अपना भावी उत्तराधिकारी मानते थे। परंतु महाराजा गज सिंह की एक पत्नी, जो कि अमर सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उसने एक षड्यंत्र रच के राजा के छोटे पुत्र जसवंत सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया। अमर सिंह ने अपने पिता के इस निर्णय का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और वे जोधपुर छोड़कर चले गए। जोधपुर छोड़ के जाने के बाद में उन्होंने शाहजहाँ के वहाँ शरण ली। शाहजहाँ उनकी वीरता और साहस के बारे में पहले से ही जानता था, इसलिए उसने अमर सिंह को नागौर की जागीर दी और उन्हें नागौर का मनसबदार घोषित कर दिया। अमर सिंह और शाहजहाँ के मध्य विवाद। अमर सिंह ने कुछ तात्कालिक कारणों से शाहजहाँ को कर देना बंद कर दिया, परंतु जब शाहजहाँ ने उन्हें बार बार कर देने के लिए कहा तो उन्होंने शाहजहाँ की आज्ञा की अवहेलना कर दी। इस मौके का फायदा उठाकर अमर सिंह के खिलाफ शाहजहाँ के एक दरबारी सलावत खान ने शाहजहाँ को भड़काना शुरू कर दिया। उसके बहकावे में आकर शाहजहाँ ने अमर सिंह को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दे दिया। जब अमर सिंह दरबार में उपस्थित हुए तो सलावत खान ने उन्हें अपशब्द सुनाना शुरू किया। जैसे ही अमर सिंह ने यह अपशब्द सुने, उनका राजपूती गौरव जाग उठा और उन्होंने पूरे दरबार के सामने सलावत खान की गर्दन काट डाली। जब यह दृश्य दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने देखा तो वो एकदम भौचक्के रह गए। तभी बादशाह ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि वह अमर सिंह को मार डाले। अमर सिंह ने उन मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट डाला। अमर सिंह को इतना क्रोध में देखकर बादशाह और उसके सभी दरबारी दरबार छोड़कर भाग गए। अमर सिंह को रोकने के लिए बादशाह ने एक युक्ति सुझाई। उसने ये आदेश दिया कि जो भी अमर सिंह को मारेगा उसको नागौर परगाना तोहफे में दिया जाएगा। इस लालच में आकर अमर सिंह के साले अर्जुन सिंह ने अमर सिंह को छल से मार दिया। बादशाह ने अमर सिंह की लाश को अपने किले के चौक में फेंक दिया और उसने ये चुनौती दी कि जिस भी राजा में इतना साहस हो तो इसकी लाश को यहाँ से ले जाके बताए। जब यह खबर अमर सिंह की पत्नी को मिली तब उन्होंने सती होने की इच्छा जताई और अमर सिंह के मित्र बल्लू चंपावत को आदेश दिया कि वह अमर सिंह की लाश को लेके आए। बल्लू चंपावत और उसके साथी अमर सिंह की लाश को देखने के बहाने से किले में प्रवेश कर गए और अमर सिंह की लाश को लेकर भागने लगे। तभी मुगल सैनिकों ने किले के दरवाजे बंद कर दिए। बल्लू चंपावत ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने घोड़े को किले के बुर्ज पे चढ़ा दिया और फिर उसे वहां से कुदाया और वहां से निकलकर भाग गए और उन्होंने उस अमर सिंह का शव उनकी पत्नी को दे दिया और वे स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके पश्चात रानी ने जौहर धारण कर लिया और वे भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें।